हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ ब्लाउज हॉल मीशो से। और इसमें दो रेडीमेड ब्लाउज है और एक है अनस्टिच्ड ब्लाउज। देखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम एक अनस्टिच्ड ब्लाउज मंगाया। वैसे रेडीमेड तो पहले भी मंगाए थे और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी निकली थी बहुत ही कम प्राइस में। इस बार देखते हैं कि क्या क्वालिटी निकलती है, और साथ ही जो अनस्टिच्ड है क्या वो भी उतना ही अच्छा है जितना ये वाला है। तो चलिए एक एक पैकेट आपके सामने खोलती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह की क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। तो सबसे पहले ये अनस्टिच्ड ब्लाउज ही खोल लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अनस्टिच्ड मंगाते ताकि वो अपनी पसंद से अपने फिटिंग के हिसाब से ब्लाउज सिलवा सके। तो ये काफी ज्यादा मिल रहे थे वहां पे, तो मैंने सोचा चलो भाई मुझे भी ट्राई करना चाहिए एक बार, और काफी कम प्राइस में थे। तो चलिए खोलती हूँ और देखती हूँ, मैं भी पहली बार मैंने मंगाया है तो क्या क्वालिटी निकलती है। तो कुछ इस तरह का ब्लाउज पीस मुझे रिसीव हुआ है और इसे पूरा खोलते हैं। तो ये 1 मीटर का पीस पूरा होने वाला है। इसका जो कपड़ा है वो है कॉटन सिल्क, और इस पे काफी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाती है। कहीं कहीं पे स्टोन्स भी लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी इस पे हुई है। तो कोई मोटा इंसान भी होगा उसका भी ब्लाउज इसमें आसानी से सिल जाएगा। और बहुत ही प्यारा ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ है। इसमें कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। मुझे फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया बट पहली बार में ही बहुत ही अच्छा ब्लाउज पीस मुझे रिसीव हुआ है। मैं अपने हिसाब से अपने फिटिंग के हिसाब से इसको आसानी से स्टिच करवा सकती हूँ। एक चीज मुझे इसमें नहीं समझ में आई, अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा, ये जो डिजाइन है ये किस लिए? क्योंकि ये हाफ ही लग रहा है मुझे, गला लग रहा है पर आधा लग रहा है, पूरा क्यों नहीं दिया मुझे नहीं समझ में आया। ये कहाँ पे यूज होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वैसे तो ब्लाउज पीस मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बस यही नहीं समझ में आया कि ये कहाँ पे लगेगा। ये है बाजू वाला पार्ट, इस तरीके से दो दिए हुए हैं जो आपको बाजू पे लगवाने हैं। और यहाँ पे ये बैक का डिजाइन है, इसे आप बैक पे या बैक पे लगवा सकते हैं, फ्रंट पे तो ज्यादा गला बड़ा हो जाएगा। और ये भी बाजू का है तो बहुत ही प्यारा है, इसमें कलर ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट खोल लेते हैं, और ये एक रेडीमेड ब्लाउज है। है ब्लैक कलर में, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये ब्लाउज मिला है मुझे। इस पे कितना सुंदर सीक्वेंस का काम है, और ये देखिए इतना सुंदर इतने कम प्राइस में। अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अंदर इनर लगा हुआ है और कॉटन मिक्स है कपड़ा अंदर इनर का, और ये वाला जो कपड़ा है ये भी कॉटन मिक्स है, डबल है। और यहाँ से ये फ्रंट का लुक है बहुत ही प्यारा सा, और ये पैडेड ब्लाउज होने वाला है। पैडेड ब्लाउज की जो सिलाई है वो आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा होती है, तो ये बहुत ही सुंदर है। इसका बैक मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का मिल जाता है बैक, जहाँ पे आपको ये एक बो मिल जाता है पीछे जो लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्टाइलिश ब्लाउज होने वाला है। तो मुझे तो इस तरह के ब्लाउज बहुत पसंद आते हैं, बस इसकी फिटिंग मुझे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका साइज जो है वो आपको बता दूंगी, आई थिंक 38 ऑल्टरेबल तो अवेलेबल होता ही है ज्यादातर, पर किसी किसी में 40 ऑल्टरेबल भी होता है। अगर इसमें होगा तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी कहाँ तक साइजेस का अवेलेबल है। यहाँ पर हुक मिल जाते हैं ऊपर की साइड, तो इस तरह से यहाँ इसे आप पहन सकते हैं। और मैं इसे पहनने वाली हूँ फिटिंग कराने के बाद, और इसे मैं किसी साड़ी के साथ आपको पहन के दिखाऊंगी रील में। अभी मैं इसे पहन के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे आ रहा है सही से या नहीं, इसकी इसको अल्टर वगैरह करवाना होगा, तो मैं इसे करवाऊंगी और उसके बाद इसे मैं आपको रील में पहन के दिखाऊंगी। इसलिए अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी और साथ ही फेसबुक पे भी, क्योंकि मेरी रील्स आएंगी जहाँ पे मैं आपको साड़ियाँ भी दिखाने वाली हूँ और इन ब्लाउज को पहनकर भी दिखाने वाली हूँ। ये है मेरा नेक्स्ट ब्लाउज, इसे भी खोल कर देख लेते हैं।
तो ये जो ब्लाउज है ये होने वाला है डार्क ग्रीन कलर में, इसे आप डार्क मेहंदी कलर भी बोल सकते हैं। और इतना ब्यूटीफुल ब्लाउज कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है किसी दुल्हन का ब्लाउज है। बहुत ही सुंदर सीक्वेंस का काम हुआ है, पूरा जरी वर्क इस तरह से हुआ है। ये फ्रंट लुक है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ है। और वेलवेट का ब्लाउज है, आप खुद सोच सकते हैं कि वेलवेट का जो ब्लाउज है मार्केट में लेने जाएंगे तो कितना महंगा मिलता है, तो कितना ब्यूटीफुल ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ है। पीछे का लुक भी आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से पीछे से मिल रहा है, पीछे डोरी भी मिल रही है और पीछे भी बहुत सुंदर काम हुआ है। पैडेड ब्लाउज होने वाला है, अंदर इनर लगा हुआ, लाइनिंग लगी हुई है, कॉटन ब्लेंड कपड़ा है, ऊपर का वेलवेट है। बहुत ही सुंदर, किसी भी लहंगे पे पहनिए, किसी भी साड़ी पे पहनिए, पैसा वसूल ब्लाउज मुझे रिसीव हुए। आपको इनमें से कोई भी ब्लाउज चाहिए तो आप कमेंट में लिंक लिखिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो डीएम में आपके लिंक पहुंच जाएगा, और यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे या फर्स्ट कमेंट चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा।